Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Pradella Goyal and I make videos on beauty, skincare, fashion and lifestyle. तो आज का हमारा वीडियो है कंसीलर और करेक्टर में क्या डिफरेंस है, इसे हमें कैसे यूज़ करना है और कब यूज़ करना है. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंसीलर की. कंसीलर क्या होता है? कंसीलर बेसिकली हमारे फेस पे हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम हाईलाइट कर सकें, जैसे ब्राइटन कर सकें अपने फेस को. तो जैसे आप इसे अंडर आई लगा सकते हैं, नोज पे या डिफरेंट एरियाज पे, जो भी आपने हाईलाइट करना है अपना एरिया. हमेशा हमारा कंसीलर दो शेड लाइट होना चाहिए फाउंडेशन से, ताकि वो उसे आराम से हाईलाइट कर सके. जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, वो है एले गर्ल प्रो का, और ये कंसीलर बहुत अच्छा है. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हैं इन केस अगर आपको बाय करना है. कंसीलर हमेशा फाउंडेशन के बाद लगता है, क्योंकि हमें अपने स्किन को ब्राइटन अप करना होता है, हाईलाइट करने होते हैं कुछ पॉइंट्स, इसलिए वो हमेशा फाउंडेशन के बाद लगता है. तो अब हम बात करते हैं करेक्टर की. करेक्टर को कैसे यूज़ करना है, कब करना है. जो करेक्टर का मेन पर्पस होता है, वो होता है हमारे जो भी स्किन में डार्क पैचेस हैं या फिर एक्ने के पैचेस हैं, डार्क सर्कल्स हैं, उसको हाइड करना. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लेवेंडर, वो डिफरेंट डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं. मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के करेक्टर इसलिए आते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्किन पैचेस के लिए होते हैं, ताकि वो उसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाए. और जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो है एले गर्ल प्रो का ऑरेंज करेक्टर, बिकॉज मेरे डार्क सर्कल्स हैं तो ये उसको हाइड कर देता है. तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कलर्स के करेक्टर, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग. तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इन केस अगर आपको बाय करना होगा तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी बाय कर सकते. जो करेक्टर है वो हमेशा फाउंडेशन से पहले लगता है, और जो कंसीलर है वो हमेशा फाउंडेशन के बाद लगता है. मैंने वीडियो को ज़्यादा नहीं बनाया, इजी बनाया, ताकि आपको आराम से वो समझ आ सके. एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.